सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राज्य स्तरीय दो सदस्यीय टीम पहुंची, जो उसने दो दिनों तक इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण और परीक्षण किया। राज्य स्तरीय यनक्वास टीम ने इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दूसरे दिन भी किया निरीक्षण, मीटिंग आदि कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। श्रावस्ती जनपद के इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो दिनों से राज्य स्तरीय यनक्वास टीम पहुंची हुई थी, जो लगातार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने के साथ साथ विभिन्न बारीकियों व मानकों पर ध्यान दे रही थी। इकौना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर राज्य स्तरीय दो सदस्यीय टीम पहुंची थी, जिसमें डॉक्टर आर एस चौरसिया और डॉक्टर अनामिका मौजूद रही, जिन्होंने आज भी निरीक्षण करते हुए यहां पर तैनात कर्मियों व सीएससी अधीक्षक तथा डॉक्टरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें हैं, जहां पर दो दिनों तक निरीक्षण व मानक की बारीकियों को परखने के लिए टीम ने गहन अध्ययन किया। इकौना अस्पताल के वार्ड, प्रयोगशाला, इंजेक्शन रूम, प्रसव केंद्र, सभी कार्यालय व सभी पटलों का गंभीरता पूर्वक व बारीकी से निरीक्षण किया गया, जहां पर आई हुई टीम की दोनों सदस्यों ने तमाम तरह के आवश्यक दिशा निर्देश भी चिकित्सक, सीएससी अधीक्षक व कर्मियों को दिए। इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का यह पूरा मामला है, जहां पर दो दिनों तक राज्य स्तरीय टीम ने बारीकी से मुआयना करने के साथ साथ जांच पड़ताल की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कल सुबह से ही आई टीम ने आज शाम तक अपना वक्त गुजारा और मानकों को किस प्रकार से और बेहतर करना है, कहां पर कमी पाई गई, उसके बारे में लोगों को निर्देशित करते हुए अपने विचार देने के साथ साथ तमाम तरह के सुझाव भी दिए। इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो दिनों तक गहनता से निरीक्षण परीक्षण चलता रहा। आज यह टीम वापस लौटी। इस दौरान टीम के विशेष जांचकर्ता डॉक्टर से जब बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि मानकों को और बेहतर करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसको परखने के लिए इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का चयन किया गया था और दो दिनों से टीम यहां पर जांच पड़ताल कर रही थी। इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी पटलों का बारीकी से टीम ने निरीक्षण किया, साथ ही यहां पर तैनात कर्मियों तथा स्टाफ को विभिन्न प्रकार के सुझाव, सलाह व निर्देश भी दिए। इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो दिनों तक यह कार्यक्रम चलता रहा, जिसके बाद आज टीम वापस हुई। इकौना इलाके का एक पूरा मामला है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का राज्य स्तरीय टीम ने दो दिनों तक निरीक्षण किया। कराने भारत सरकार द्वारा सभी राजकीय चिकित्सालयों में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है 2013 में, जिसका नाम है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। और एक दूसरा कार्यक्रम है जो एक कायाकल्प अवार्ड स्कीम। अभी जो हम आज आए हुए हैं वो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के लिए, ये द्वितीय स्तर का असेसमेंट है, जिसको हम इसे असेसमेंट कहते हैं। तो राज्य स्तर से दो सदस्यीय टीम, मैं आर एस सोरेशिया स्टेट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑफिसर लखनऊ और डॉक्टर अनामिका डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट बलरामपुर, दो लोग असेसमेंट कर रहे हैं। कल हमने असेसमेंट किया और आज असेसमेंट किया। आपको ये बता दें कि भारत सरकार ने ये इनिशिएटिव इसलिए प्रारंभ किया है जिससे कि सभी चिकित्सालयों की गुणवत्ता एक स्टैंडर्ड पैरामीटर पर जाँची जा सके, एक हॉस्पिटलों की रैंकिंग की जा सके
इसमें एक निर्धारित चेकलिस्ट है, जैसे सीएससी के लिए 12 विभागों की एक चेकलिस्ट है, उस पर लगभग एक डिपार्टमेंट में 400 चेक पॉइंट हैं जिस पर हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग के पश्चात यदि इनका मार्क्स मोर देन 70% आता है तो भारत सरकार को हम रिक्वेस्ट भेजेंगे इनके नेशनल सर्टिफिकेशन के लिए। अगर ये वहाँ से 210 सदस्यीय टीम आएगी 2 दिवस के लिए, अगर उसमें भी ये क्वालिफाई हो जाएंगे तो इन्हें 3 लाख रुपया एडिशनल इंसेंटिव मिलता है, जिससे हॉस्पिटल का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। साथ ही स्टाफ को 25% धनराशि, उसमें से स्टाफ की एमिनिटीज को इम्प्रूव करने के लिए या स्टाफ को अच्छा माहौल बनाने के लिए या कोई ट्रेनिंग के लिए, कोई रिफ्रेशमेंट के लिए, डिफरेंट तरीके की चीज़ें, या उन्हें कोई कैश अवार्ड भी दे सकते हैं। तो ये नया प्रोग्राम है, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो जैसा कि आपने पूछा कि डिपार्टमेंट में क्या कमियाँ रही हैं, हॉस्पिटल काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है, बस केवल डॉक्यूमेंटेशन लेवल पर कुछ कमियाँ पाई गई हैं, जो कि डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कीपिंग में थोड़े इश्यूज हैं, उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बेसिकली जैसे यहाँ पर हमने बताया 12 विभाग होने चाहिए, तो कुछ विभागों में जो इंडेंट है वो इंडेंट प्रॉपर होने के बजाय जो है किसी एक डिपार्टमेंट से ही आ रहा है, उसके डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम है, वो अलग अलग डॉक्टर साहब को करने के लिए बोल दिया गया है। दूसरा, इमरजेंसी में जैसे अलग से वार्ड की व्यवस्था थोड़ी और करने की ज़रूरत है, जो कि अलग से फंडिंग होगी तभी यहाँ के चिकित्सालय का अधीक्षक कर पाएंगे। और साथ ही नर्सिंग स्टेशन होने चाहिए सभी विभागों में, उसके लिए भी कुछ बजटरी रिक्वायरमेंट होगी, जो डॉक्टर साहब जिले में बात करके डीएम साहब से या राज्य स्तर से कोई स्टेट बजट से कोई डिमांड करके करा जा सकता है। ड्राइजिंग के लिए व्यवस्था की ज़रूरत है और इस तरह से चीज़ों को इनको इम्प्रूव करना है। और जो इसेंशियल मेडिसिन हैं उसमें 100% के सापेक्ष कुछ कम मेडिसिन उपलब्ध हैं, उसको ज़िले के से मांग करके और यूपी मेडिकल कॉर्पोरेशन से डिमांड करके मंगाई जानी है। आप अवगत होंगे कि कुछ दवाएं जो है राज्य स्तर से ही सप्लाई होने में इशूज हैं, इसकी वजह से इसेंशियल ड्रग लिस्ट के सापेक्ष कम दवाएं उपलब्ध हो पा रही हैं। बाकी इनका क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में कुछ हमारे क्वालिटी टूल्स होते हैं, उन चीज़ों को अभी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये अभी नए सिरे से क्वालिटी में जुड़े हैं। हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट हैं क्वालिटी डॉक्टर राम समूल, जो कि निरंतर जो चिकित्सा इकाइयाँ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं वहाँ पर विजिट करके उनको इन्फेक्शन कंट्रोल, बायोमेडिकल वेस्ट, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, चेकलिस्ट को कैसे यूज करना है, जो गैप आते हैं उसका भी उपयोग करते रहते हैं। साथ ही हमारे आज यूनिसेफ के साथी भी जो है मौजूद हैं, डॉक्टर पालीवाल, जो हर महीने में 2-3 बार आते रहते हैं और स्टाफ को प्रशिक्षण देते हैं, और साथ ही क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है इंडिकेटर्स को, उस पर काम करते हैं।